हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विला। आज हम करने वाले हैं पिछवाई पेंटिंग ऑन क्ले प्लेट। तो सबसे पहले हमें इस तरह से क्ले प्लेट ले लेना है, पेंसिल, एक्रेलिक कलर्स, गोल्डन कलर, यू कैन यूज एनी गोल्डन कलर, ओके, यू कैन यूज एनी गोल्डन कलर एंड ब्रशेस, दैट्स इट। तो सबसे पहले हमें पानी लेना है एक बर्तन में और इस क्ले प्लेट को उसमें डिप करना है थोड़ी देर के लिए। हमें सबसे पहले इसे पानी में इस तरह डिप करके रखना है थोड़ी देर के लिए, अच्छे से ये पानी सोख ले तब तक। उसके बाद हम इसे निकाल कर ड्राई होने के लिए रख देंगे। इस तरह हम इसे निकाल कर ड्राई होने के लिए रख देंगे, ओके। अब हम इस क्ले प्लेट पर ड्राइंग करेंगे। हमने इसे पानी में भिगोया है ताकि ये ज़्यादा कलर ऑब्जर्व ना करें। अगर पानी में नहीं भिगोगे तो ये बहुत ज़्यादा कलर ऑब्जर्व। तो मैं यहाँ पर काउ ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए एंड आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी ट्रेसिंग के लिए। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ दैट। तो पिछवाई पेंटिंग में आप काउ, श्रीनाथ जी, लोटस फ्लावर, दीज ऑल थिंग्स यू कैन ड्रॉ। ओके, आई विल ड्रॉ, आई विल कंप्लीट, देन आई विल शो यू हाउ इट विल लुक। ओके, नाउ यू कैन सी दिस कंप्लीट एंड ये प्लेट 70 रुपीज की आती है, यू कैन सी दैट। नाउ आई विल यूज ग्रीन कलर फर्स्ट, दिस ग्रीन कलर। प्लेट पर 70 रुपीज़ लिखा हुआ है तो ये 70 रुपीज़ के लिए है। मैंने आपको शायद और रीजनेबल मिल सकती है, बट इसका प्राइस मैंने 70 रुपीज़ में लिया है। नाउ आई विल मिक्स लिटिल बिट वाइट इन दिस ग्रीन कलर ताकि हम लाइट एंड डार्क शेड्स यूज कर सकें, ग्रीन के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स। इस तरह हमें मिक्स कर लेना है एंड हम इस तरह लाइट ग्रीन कलर, सबसे पहले वी आर यूजिंग दिस लाइट ग्रीन कलर, तो हमें लाइट ग्रीन कर लेना है। ये लोटस लीव्स है, इनमें ये फर्स्ट कोट है तो हम लाइट करेंगे, फिर डार्क से हम इसमें शेड देंगे डार्क ग्रीन से। सो वॉच इट केयरफुली एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, तो आप बहुत ब्यूटीफुल पिछवाई पेंटिंग बना सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच टफ। तो इस तरह लाइट ग्रीन जहाँ पर भी आपने ड्रॉ किया है वहाँ आप कर सकते हैं। प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप्स। हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स फ्री कंडक्ट कर रहे हैं ऑन फेसबुक, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज़ चेक दिस एंड ज्वाइन दैट इवेंट एंड दैट इज़ फॉर वाली आर्ट, ओके। सो प्लीज़ चेक दैट एंड शेयर दैट ऑल्सो, शेयर दैट लिंक ऑल्सो। तो हमने ये ग्रीन कलर कर लिया है एंड ड्राई। नाउ विल गिव शेडिंग। तो हम थोड़ा डार्क ग्रीन कलर लेंगे, सबसे पहले हम आउटलाइन कर लेंगे और फिर इसे शेड देंगे। तो ये डबल कोट हो जाएगा तो इसका कलर और सुंदर लगेगा। वी विल डू लाइक दिस, बॉटम साइड वी विल डू लिटिल बिट डार्क एंड अप साइड विल डू लाइटर शेड like this. Please follow us on Facebook and Instagram. तो आपको now see this, like this we have to give shade, okay? तो आपको हमारी online workshops के बारे में पता चलता रहेगा, that's are totally free. तो आप उनको online workshops कर सकते हैं, craft, art, paintings, Indian art, folk art, ethnic and that tribal art. Okay, so now first complete this. We have to complete this pichwai art. Like this, we will give shade only. Thoda sa light shade. Now this is done. Okay.
same like this. We will complete all leaves like this. Now this is done. You can see. Now I will take blue color, this Persian blue. अगर आप चाहें तो ब्लू कलर की जगह ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ब्लू कलर अच्छा लगता है, मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ. इट्स अप टू यू. मुझे ब्लैक कलर अवॉइड करना है, इसलिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ. लाइक दिस विल डू ब्लू कलर, बट डार्क शेड ही लेना है, ब्लू और ब्लैक. नाउ दिस इज ऑल्सो डन, सेम लाइक दिस यू हैव टू कम्प्लीट. नाउ अगेन वी विल टेक ग्रीन कलर एंड स्टैम्प वी विल मेक. लाइक दिस. आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से आर्ट पर, कौन से क्राफ्ट DIY किस पर चाहिए हमसे, आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में. प्लीज कमेंट अस. और ये पिछवाई आर्ट आपको कैसा लग रहा है, आप इस पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं. प्लीज कमेंट अस एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. ओके नाउ दिस इज डन, दिस इज अबाउट टू कंप्लीट. दिस लास्ट वन आई एम शोइंग यू. अब हम थोड़ा लाइट शेड लेंगे और स्टैम्प में भी इस तरह से हम शेडिंग करेंगे. यहाँ वीडियोस में आपको फास्ट फॉरवर्ड में देखना पड़ता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं बना सकते हैं. लाइव वर्कशॉप में आप खुद पेंटिंग बना सकते हो हमारे साथ में, हम इंस्ट्रक्शन देंगे, हम आपका वर्क चेक करेंगे और कहीं इम्प्रूवमेंट जरूरत होगी तो हम वो करवाएंगे. Now like this, we have to complete all. Okay, this is done. Now we will take white color और हम lotus flower, मैंने जो draw किए हैं, मैंने pencil से draw किए हैं तो हो सकता है आपको नहीं दिख रहे हो clearly. तो आप paint करने के बाद में आपको ये सब कुछ clearly दिखेगा. तो आप इस तरह lotus flowers जहाँ भी आपने draw किए हैं उनको सबसे पहले व्हाइट पेंट कर लेंगे, उसके बाद हम शेडिंग देंगे इसमें. तो ये 3 पेटल वाला लोटस है, मैं आपको एक और पेंट करके दिखाऊंगी. लाइक दिस फर्स्ट यू हैव टू पेंट लोटस. और फिर हम इसमें शेडिंग करेंगे. Now this is done. और मैं आपको एक और लोटस पेंट करके दिखाऊंगी. दिस इज ऑफ 3 पेटल. तो हमने अलग अलग तरह के लोटस बनाए हैं, कोई 3 पेटल का है, कोई बर्ड भी बनाया है इसमें. तो इस तरह हमें बना लेना, इट्स अप टू यू. लाइक दिस. Please check description box so you will get link of Facebook workshop on Facebook. And share that video. Okay, now this is about to complete. Okay, bottom side also left. So we'll do that one also. It's very easy. Single color we are using right now, white color. So it's very easy. Now this is last petal. सेम लाइक दिस हमें सारे फ्लावर्स बना लेने हैं ऐसे. अब हम रेड कलर लेंगे, दिस क्रोम रेड. यू कैन यूज एनी रेड फॉर शेडिंग इन लोटस फ्लावर. एंड हाउ टू गिव शेड,
टेक लिटिल बिट रेड कलर, बहुत थोड़ा सा रेड कलर लेना है। अगर ज़्यादा आ जाता है तो आपको एक अपना रफ क्लोथ साथ में रखना है और अपना ब्रश उस पर वाइप कर लेना है। तो अपसाइड विल गिव शेड लाइक दिस। And we'll draw, we'll make border lines also with light hand. बिल्कुल light hand हमें use करना है। ये रहा, हम इस तरह भी shading दे सकते हैं। और ये हमारा white flower दिख रहा है। अब मैं आपको एक और ये bud पर shading करके दिखाती हूँ। तो हम इसे pink shade दे देंगे इस तरह। ये हमारा dark shade and now will color paint it in pink, very light shade like this। तो आप कैसे भी paint कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो। And now complete that, this is done। Now we will paint cow, white color we will use and we will paint cow with white acrylic color। Like this carefully we have to paint it। हो सकता है आप क्ले प्लेट यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ये कलर्स इस पर लाइट लगे, तो आप डबल कोट कर लीजिए। This is the ear। इस तरह हम पूरा काउ व्हाइट पेंट कर लेंगे। नाउ दिस इज डन। नाउ आई एम टेकिंग ब्राउन कलर एंड लिटिल बिट ब्लैक कलर, थोड़ा सा ब्लैक कलर इसमें मिक्स करेंगे टू आउटलाइन दिस काउ। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं आउटलाइन करने के लिए, काऊ को आउटलाइन करने के लिए। मैं यहाँ पर ब्राउन में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके फिर आउटलाइन कर रही हूँ, तो इट गिव्स नेचुरल लुक। और ये क्ले प्लेट है तो इसे हमें बैकग्राउंड कलर देने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई पेपर कोई यूज कर रहे होते हैं, कैनवास यूज कर रहे होते हैं, तो हम उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं, बट इस क्ले प्लेट में हमें बैकग्राउंड कलर देने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस विल मेक बॉर्डर लाइन आउटलाइन। तो हमें इस तरह आउटलाइन कर लेना है पूरे काऊ को। आई विल कंप्लीट दिस आउटलाइन एंड देन आई विल शो यू हाउ इट विल लुक। जस्ट अ मिनट, नाउ आई विल शो यू हाउ इट विल लुक। So you have to outline like this। अब मैंने यहाँ ब्लू कलर लिया है। As I told you कि मैं ब्लैक कलर जितना हो सके उतना कम यूज करूंगी, तो मैंने यहाँ ब्लू कलर लिया है काउ के हॉर्न्स में करने के लिए। आप चाहें तो ब्लैक ले सकते हैं एट द प्लेस ऑफ ब्लू। इस तरह हम ब्लू कलर हाफ हॉर्न्स में करेंगे, बिकॉज हाफ में हमें ज्वेलरी बनानी है। Now this blue is also done। हम white paint से इस तरह dots बनाएंगे। ये lotus leaves हैं, इन पर हम इस तरह से dots बना देंगे। Please subscribe this channel and hit the bell icon to get the update of videos first। And complete this, this done। अब हम light yellow color लेंगे और इस तरह cow पर head पर करेंगे।
आप देख लीजिए हमें कहाँ कहाँ पर लाइट येलो शेड देना है, इस तरह बिल्कुल लाइट लाइट शेड हमें कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा, और हम गोल्डन येलो से इस लाइट येलो पर शेड देंगे लाइक दिस, बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना है हमें। और कहीं कहीं पर माउथ पे और आउटलाइन के पास में हमें कहीं कहीं पर इस तरह येलो शेड देना है, बहुत ज्यादा येलो कलर यूज नहीं करना है, हल्का हल्का शेड देना है लाइट हैंड से। Like this, and this is done. अब मैंने यहाँ गोल्डन कलर लिया है फॉर ज्वेलरी, तो हम ज्वेलरी पेंट करेंगे गोल्डन कलर से। वॉच इट केयरफुली, इस तरह हमें ज्वेलरी पेंट करना है। हेड पर भी हम गोल्डन कलर यूज करेंगे ऐसे, एंड दिस पार्ट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ज्वेलरी। तो हमें सारा ज्वेलरी पार्ट इस तरह से गोल्डन पेंट कर लेना है। हमने पहले ड्रॉ किया हुआ था बट व्हाइट पेंट किया है काऊ को, तो वो दिख नहीं रहा है, कवर हो गया है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से पेंट कर रहे हैं इसे। नेकलेस, गले में माला बनानी है गोल्डन कलर से, और ये केवल गोल्डन कलर से बनाएंगे तो इतना अच्छा लुक नहीं देगा, तो हम इसे आउटलाइन और डिजाइंस और देंगे डिफरेंट शेड से। Like this. And this is bell. And golden beads के लिए हम dots लगाएंगे like this. और हम यहाँ पैर में भी ज्वेलरी है तो इसे भी गोल्डन करेंगे। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ हमें ज्वेलरी बनानी है। अब हम दैट ब्राउन कलर वापस से लेंगे, इसका आउटलाइन करेंगे ज्वेलरी का, और हम ज्वेलरी में ग्रीन एंड रेड शेड भी लेंगे पैटर्न्स देने के लिए। तो इस तरह पहले हमें अपनी ज्वेलरी को आउटलाइन कर लेना है। बेल ऑल्सो। अब हम रेड एंड ग्रीन कलर लेंगे और ज्वेलरी में पैटर्न दे देंगे इस तरह से। नाउ यू कैन सी रेड कलर एंड ग्रीन कलर। सो ये पैटर्न देने से ज्वेलरी बहुत सुंदर लगेगी। Now this is done. अब हम आई एंड नोज बनाएंगे, उसके लिए मैंने पेन मार्कर यूज कर रही हूं, आप चाहें तो पेंट ब्रश यूज कर सकते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक एक्रेलिक कलर यू कैन यूज। मैं यहाँ थिन मार्कर यूज कर रही हूँ, तो हमें इस तरह आई ड्रॉ करनी है और हम ब्लू कलर लेंगे और लाइट शेड, लाइट ब्लू कलर हम आई में फिल करेंगे लाइक दिस। नाउ दिस इज डन। अब हम, मैं यहां पर अगेन आई एम यूजिंग दैट थिन मार्कर, आप ब्लैक पेंट यूज कर लीजिए, मुझे जल्दी आपको दिखाना है। सो आई एम यूजिंग बॉर्डर, हमें इस प्लेट का
बॉर्डर बनाना है तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉर्डर इस तरह लाइन बना लेंगे, बिल्कुल पतला पतला बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर इवन होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए। बॉर्डर से इस प्लेट का लुक और भी सुंदर आ जाएगा, बहुत सुंदर लगेगी। नाउ वी विल टेक गोल्डन कलर एंड हमें इस तरह बॉर्डर पर गोल्डन कलर कर लेना है। हमें सारे तरफ बॉर्डर पर थिन बॉर्डर, बॉर्डर बिल्कुल थिन होना चाहिए और गोल्डन पेंट कर लेंगे हम इसे। नाउ आई विल शो यू हाउ इट विल लुक। Now it will look like this. It's looking so beautiful now, but this is not complete. Now we will take red color and we will paint hand print. हमें यहाँ पर hand print बनाना है red color से, like this. Now this is thumb and fingers we will make like this. बिल्कुल thin brush use करना है आपको इस तरह। तो ये बहुत ही सुंदर लुक देगा हमारी पिछवाई पेंटिंग को, स्पेशली काऊ को। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द अपडेट ऑफ माय क्रिएटिव वीडियोस, आर्ट वीडियोस फर्स्ट। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। तो इस तरह हमें हैंड प्रिंट बनाने हैं। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। ये पिछवाई आर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट हाउ इट्स लुकिंग। और आपको नेक्स्ट वीडियोज किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। नाउ दिस कलरिंग पार्ट इज डन, यू कैन सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। नाउ वी विल यूज वार्निश, दिस आर्टिस्ट वार्निश वी विल यूज। थोड़ा सा हमें वार्निश ले लेना इस तरह से और बिल्कुल क्लीन ब्रश यूज करना है वार्निश के लिए। एंड वार्निश की हम डबल कोटिंग करेंगे। मैं वार्निश कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ हाउ इट विल लुक। लाइक दिस इट्स ब्यूटीफुल पिछवाई पेंटिंग ऑन क्ले प्लेट। Please like, share and comment also and check description box for free live class.